हेलो गाइस, अब प्रोफेसर डू कुछ स्टूडेंट्स के वेट में बैठे हुए होते हैं जो कि उस शहर का टॉप टैलेंट थे और उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन भी जीते थे। लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को एक और यूनिवर्सिटी ने बाहर से ही पकड़ लिया है और उन्हें अपनी तरफ एडमिशन कराना चाहते हैं। अब ये सुनते ही प्रोफेसर डू अपनी पूरी टीम लेकर भागे भागे वहाँ पहुँच जाते हैं और जो दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन दोनों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर डू बहुत बड़े बड़े नाटक करते हैं, बहुत से बहाने लगाते हैं, चाहते थे किसी भी तरह से उनकी बस से स्टूडेंट्स को उतार लें और खुद अपनी यूनिवर्सिटी में लाने के लिए कन्विंस करने लगे। इतने में सू चांग नोटिस करती है कि उनकी बस जिस जगह पर खड़ी हुई है वो नो पार्किंग जोन है। वो भाग के अंदर जाती है और पुलिस को बुलाकर ले आती है। अब वो सिक्योरिटी वाले जाकर उनसे लड़ाई करने लगते हैं कि आपको जो भी हो यहाँ से बस हटानी पड़ेगी। अब प्रोफेसर डू ये सुनकर खुश हो गए थे जबकि दूसरे प्रोफेसर भी अकड़ जाते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर डू का एक दफा आराम से हाथ पकड़ते हैं लेकिन उन्होंने आगे से ऐसा ड्रामा स्टार्ट कर दिया था कि लग रहा था कि उनका हाथ ही किसी ने मरोड़ दिया है और बस टूट गई है। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स के सामने दूसरे प्रोफेसर बहुत वायलेंट इंसान लग रहे थे। अब वहाँ पर दिन गुजारने के बाद सू चांग और युहा जब वापस आते हैं तो उन्होंने अपने सारे टारगेट पूरे कर लिए थे, लेकिन दो स्टूडेंट थे जो बहुत बड़े टॉपर थे और ये टैलेंट उनका टारगेट था, उन्होंने अचीव करना था उनको अपनी यूनिवर्सिटी में लाने के लिए, लेकिन वो दोनों उनको भाव ही नहीं दे रहे थे। अब युहा कहता है कि अगर इनमें से एक को भी हमने अट्रैक्ट कर लिया तो ये दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स लग रहे थे, दूसरा भी उसी साइड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर युहा को फील होता है कि सू चांग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही हैं, उसे भूख लगी थी। सू चांग उससे फरमाइश करती है कि आज तो मुझे तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना चाहिए और उसने सारी ग्रोसरीज भी फ्रिज में रखी हुई थी। अब युहा उसके लिए खाना बनाता, उससे पहले ये एक सरप्राइज रेडी था और वो ऑफकोर्स वॉन्ग के अलावा और कौन हो सकता था। वो बिन बुलाया मेहमान आता है और टेबल पर बैठकर युहा के हाथ का बना हुआ खाना बहुत मजे लेकर खा रहा होता है। सू चांग को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो उसे बहुत सारी बातें भी लगा रही होती है। सू चांग को उसे डांटते देख बहुत इंजॉय करता है। इतने में वॉन्ग एकदम इनोसेंट फेस बनाता है और कहता है, अब क्या करता इस शहर में, तुम मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड हो, तुमसे मिलने ना आता क्या, और मैं खाली हाथ नहीं आया, ये देखो तुम्हारी फेवरेट फूड लेकर आया हूँ। अब वो खाना सू चांग को बहुत पसंद था, वो देखते ही खुश हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक सूप था जो वो लेकर नहीं आया था। वो भाग कर जाती है और नीचे के स्टॉल से वो सूप लेने चली जाती है। अब पीछे वॉन्ग युहा से कहता है कि पहले तुम मुझे बहुत बुरे लगते थे, चाहे जू पैन था या युहा, इस वजह से कि तुम हमेशा सू चांग को हर्ट कर जाते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और मैं सिर्फ एक फ्रेंड। जब से उसकी मम्मी डैडी की डिवोर्स हुई है मैं ही एक फ्रेंड था जो लंबे अरसे से उसके साथ रहा था, बचपन से लेकर बड़ा हुआ, और मैं उसकी हर कमजोरी को समझता हूँ। वो बताती नहीं है लेकिन अंदर से वो बहुत टूटी हुई इंसान है। मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ, लेकिन फ्रेंड कब तक साथ रहेगा, अब ये तुम ही हो जो सारी जिंदगी उसका ख्याल रखोगे, इसलिए मैं सू चांग को तुम्हारे हवाले करता हूँ। युहा को अब वॉन्ग से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई थी, वो कहीं ना कहीं सू चांग के लिए बहुत सिंसियर था और उसका एक अच्छा फ्रेंड था। अब जब सू चांग आती है तो उसे देखकर वो दोनों खामोश हो गए थे। उसे बहुत बुरा लगता है कि मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, शायद ये मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे थे। अब वॉन्ग का मन तो नहीं कर रहा था कि वो वहां से जाए, बड़े बहाने करता है, इवन के बाहर खड़ा होकर ये भी कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। लेकिन युहा ने भी फैसला कर लिया था कि अब इसे अंदर नहीं घुसने देना। उसने टैक्सी भी मंगवा ली थी, उसे धक्का मारता, उसके मुंह पर दरवाजा बंद करता, खुद अंदर चला जाता है। अंदर सू चांग जब खड़ी होती है तो अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, वो परेशान हो गई थी। युहा को बहुत सी आवाजें देती है लेकिन एक्चुअली युहा ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। एक बहुत क्यूट सा लाइटिंग ग्लोब था, वो उसे दिखाता है और कहता है, याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे घर पर आया था बचपन में और मैंने तुम्हें एक टॉर्च बनाना सिखाया था। वो तो तब छोटे होते बनाया था लेकिन बाद में बहुत सोचा और अब मैंने ये चीज इन्वेंट की है सिर्फ तुम्हें माइंड में रख के। अगर लाइफ में कभी भी तुम्हें कोई भी ट्रबल हो या तुम खुद को अकेला फील करो तो तुमने सिर्फ एक दफा मुझे कहना है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा और छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि युहा की मम्मी उसी घर पर आई हुई है और युहा के बेडरूम में उसे आवाजें दे देकर जगाने की कोशिश करती हैं। जब वो क्विल्ट हटाती हैं तो अंदर से सू चांग पड़ी हुई थी। अब ऊपर से युहा भी आ जाता है और उन तीनों ने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब उसकी मम्मी मुंह से तो कुछ नहीं बोलती लेकिन सफाइयों पे सारा गुस्सा निकालती हैं और कहती हैं, सब कुछ जल्दी साफ करना है क्योंकि मैं इस घर को सेल करने वाली हूँ, इसे कुछ लोग देखने आएंगे। युहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस घर से उसकी बहुत यादें जुड़ी थी। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन मम्मी का कहना था मेरा घर है, मैं तुमसे परमिशन नहीं लूंगी, कब सेल करना है कब नहीं मुझे पता है। सू चांग चाहती थी कि वो दोनों आपस में अच्छे से बात कर लेकिन मम्मी उसे भी टॉन्ट करती हैं और कहती हैं, तुम सुंदर दिखती हो लेकिन शायद तुम्हें एटिकेट्स नहीं, अभी से ही इस उम्र से तुम एक लड़के के घर में रह रही हो,
अगर कोई जानेगा तो लोग क्या बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में, और साथ ही साथ उसे बाहर का दरवाजा भी दिखा देती हैं। युहा नहीं चाहता था कि सूचंग वहां से जाए, उसका हाथ पकड़े रखता है, लेकिन सूचंग कहती है मैं बाहर नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मम्मी दोबारा से युहा से बहुत से गिले शिकवे स्टार्ट कर देती हैं और कहती हैं तुम्हारी वजह से मैंने शहर पे शहर बदला, जहां पर तुम्हारी स्टडीज बेटर हो सकती थी मैं वहां मूव कर जाती थी, मैंने अकेले तुम्हें पाला, इतनी मेहनत की, लेकिन हमेशा तुम अपने डैड से ज्यादा प्यार करते हो। एक्चुअली युहा के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज उसकी मम्मी की वजह से ही आए थे। उसकी मम्मी भी अचानक से इतना गुस्सा करती हैं कि उसके सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ने लगती हैं जो पहले उन्होंने दीवार पर सजा के लगाए हुए थे। अब युहा से भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उनको नहीं रोकता बल्कि कहता है फाड़ दे, ये सब कुछ यूजलेस है, आपने अब तक मुझे क्या दिया, आपने मुझे एज अ टूल यूज किया, सिर्फ मेरी कामयाबी देखना चाहती थी, मेरा थोड़ा सा भी वीक पॉइंट आता था, अगर मैं बलून फटने से डरता था या फिर गिर जाता था तो आप मुझे ही डांटती थी, अगर मैं एग्जाम में एक दो नंबर भी काम लेता था तो मुझे टेंशन होने लगती थी कि घर जाकर मेरी पिटाई होगी। वो भी उठाकर अपनी ट्रॉफी तोड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि क्या फायदा, आपने मुझे एक रोबोट बनाकर रख दिया लेकिन मेरी इमोशंस को कभी नहीं समझा। और वही पुरानी फोटो जो उसकी मम्मी ने एल्बम से निकाल दी थी वो उनको दिखा कर कहता है कि पता है ये फोटो मैं बार बार क्यों मिस करता था, क्योंकि इस फोटो में आप स्माइल कर रही थी, मैंने इस दिन के बाद से अभी तक आपको इस तरह से स्माइल करते नहीं देखा। वो बहुत हिम्मत जुटाकर उनको ये भी कह देता है कि आपकी मनमानियों और आपकी जबरदस्तियों ने मेरी लाइफ रुइन कर दी थी। अब वो तो निकल जाता है और पीछे उसकी मम्मी अब रोना स्टार्ट कर देती हैं। शायद उन्हें गिल्ट का एहसास हो गया था, वो बार बार यही बोले जा रही थी कि मैं फिर से स्माइल करूंगी, बस मुझे छोड़ कर ना जाना। सोचा इनको भी अंदाजा हो गया था कि युहा की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है अभी अपनी मम्मी से। अब वो दोनों ही खामोश खामोश चल रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह एक कैफे युहा देखता है तो उसे याद आता है कि यहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे लंच पर बुलाया था, मैं 15 मिनट लेट आया था तो सबके सामने मुझे पनिशमेंट दी थी, सारे लोग रोकते रहते थे लेकिन उसकी मम्मी कहती थी कि बचपन से ही मैं इसे कंट्रोल करना चाहती हूँ, मैनर्स सिखाना चाहती हूँ ताकि ये बिगड़े ना। ये सब याद करने के बाद युहा सूचंग को हक कर लेता है। एक्चुअली बचपन में भी कुछ ऐसा ही था, युहा जब भी अपनी मम्मी की वजह से अपसेट और खोया खोया होता था कोई भी उसके साथ नहीं होता था, लेकिन एक सूचंग थी जो तब भी उसका साथ देती थी और आज भी उसके साथ थी। अब युहा आगे बढ़ता रहता है, ये वही रास्ते जिन पर वो बचपन में गुजरता था। एक दफा वो गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, उल्टा उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि तुम रो क्यों रहे हो, बजाय इसके ये देखें कि उसके कितने घाव आए हैं। वो उसे सिर्फ इतना ही कहती थी कि मर्द की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। सूचंग को अंदाजा हो गया था कि ये कितना अपसेट है, वो उसका मूड फ्रेश करने उसे अपने स्कूल के ग्राउंड में ले जाती है, और वहां पर भी युहा को यादें आने लगती हैं। जब स्कूल के कुछ बॉयज उसे बुली किया करते थे तो हमेशा सूचंग उसके सामने खड़ी हो जाती थी और उसे दूसरों से बचाती थी। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।